इट्स देविना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस कॉकटेल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो गाइस, और आज देवांग 6 मंथ ओल्ड हो रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। और फिर आज का मेरा व्लॉग इसी पे रहेगा। टुडे ये प्लान है कि 6 मंथ हो गया है, मतलब एवरी मंथ आई गेट रियली एक्साइटेड एंड आई यूज टू क्लिक बहुत सारी पिक्चर्स। सो यू कैन फॉलो हिम ऑन हिज इंस्टा हैंडल। बहुत सारी फोटोज, बहुत सारे क्यूटनेस ओवरलोड होते हैं उसके इंस्टाग्राम में, सो यू कैन फॉलो हिम देयर। और आज का ये है कि 6 मंथ है ऑफकोर्स, सो आई एम रियल एक्साइटेड। आई ऑर्डर केक, हाफ केक, 1/2 वाला। आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पिंट्रस्ट पर थी उनसे, और पिंट्रस्ट से मैंने बहुत सारे फोटो डाउनलोड किए हैं जो मुझे क्लिक कराना है देवांग पे। आई ट्राई टू रिक्रिएट देम, इट्स सो गुड, इट्स सो क्यूट। सो या, तो क्या है, उसका ड्रेस डिसाइड हो गया है। आई विल शो यू एवरी थिंग। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एज यू कैन सी हियर। एंड आई थॉट वाई नॉट टू कैप्चर दिस मोमेंट एंड शेयर विथ यू ऑल, बिकॉज बहुत दिन से मैंने कुछ वीडियो भी नहीं डाला है। आई थिंक इट्स बीन 1 वीक। एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन वॉट यू गाइस वॉन्ट टू वॉच, दैन आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो एंड आई विल अपलोड इट। या सो ये वाला बैकग्राउंड पीछे बहुत खाली है, इस बैकग्राउंड में ही मैं सोच रही हूँ कि डेकोरेट करूँगी। बहुत सारा कुछ प्लान किया है मैंने छोटू छोटू सा। इफ यू आर एक्साइटेड ऑल्सो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम अपलोड वीडियो। And like this video, share with your friends and family. So yeah guys, so आज का मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। पूरा घर मैस है, मैं मेजर पे, मतलब बच्चा अगर हो तो मैं क्या बताऊँ। और मेरा मैं बता रही हूँ आपको, व्लॉग कर रही हूँ, तो आई टेल यू कि मेरी जो कुक है वो छोड़ के चले गई है, प्रेगनेंट थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मेरा मंडे से ऑफिस स्टार्ट भी है, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज। मैं डेली किसी ना किसी का इंटरव्यू लेती हूँ और सबको बोलती हूँ आ जाना, बट ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि कोई आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या इशू हो रखा है। तो या आई विल अपडेट यू वंस आई विल गेट फुल टाइम मेड। तो मैं कल शॉपिंग करने गई थी देवांग के रिलेटेड, तो मैंने एक बैलून लिया है, अभी मैंने सिर्फ लाया है 6 है ये, बैलून लिया है और ऐसे वाले हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स लिए। उसको मैं ऐसे करके लगाते हैं ना, वैसे लगाऊंगी, सब कुछ मैं दिखाऊंगी यहाँ जब सजाऊंगी, तो टाइम लैप्स में आप यहाँ रहोगे, सो यू विल नॉट मिस एनीथिंग। और फिर मैं फर्स्ट का ये थी, मैं शूज़ लेना था मुझे एक्चुअली देवांग के लिए, क्योंकि इस देवांग का भी वॉकर में चलता है ना, ये वॉकर रखा है इसका, उसमें चलता है, अभी सो रहा है। तो मैं सोची जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और जल्दी अपने काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम है भी नहीं मेरे पास। तो वो सो रहा है तो बेस्ट टाइम होता है सारा काम खत्म करने के लिए। मैं क्या बताऊँ यार, अगर आप माँ हो तो आप समझ सकते हैं छोटे बच्चे की। अभी वॉकर में चलने लग गया है तो पूरा घर सर पे है। तो या तो फिर वही, मैं शाम को अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रही हूँ कि आ जाना, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड होगा। और या सो या टू गेट टुगेदर होगा लिटिल गुड। और क्या, व्हाट एल्स हाँ, तो मैं कल फर्स्ट क्राई गई थी, दैट्स व्हाट आई वाज देन टू, फर्स्ट क्राई गई थी शूज़ लेने के लिए। तो मैंने वहाँ पर देखा 50-70% ऑफ चल रहा है, तो मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, वो मैं दिखाऊंगी। सारा कुछ मैंने पैक करके रख दिया है अभी गिफ्ट पैक में, और कुछ कुछ उसके लिए टॉयज़ भी लिए, वो सब मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, इट्स गोना बी अ लिट यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वर्क यू गाइस, बहुत सारा काम करने को। या चीनो बेटा, ये तो फील्ड में घबरा गया हूँ, क्या चीज है
How did you look? Hello. नहीं चुस्ती नहीं करना है हमको। वीडियो ले रही सुनो वीडियो ले। हाँ सुनो। हग्गू कर दो, हग्गू कर दो, अपने नए फ्रेंड को हग्गू कर दो। चीनो देखो देखो देखो। सबको जा रहा है, सबको सबको हग करके ये मिल रहा है। नए फ्रेंड्स ना बाबा, नए फ्रेंड्स। चीनू के नए नए फ्रेंड्स हैं चीनू। हाँ, इसका नाम हम्टी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मतलब मैं जस्ट उसको धोने डालने वाली थी, जो देवांग के कपड़े हम लोग लेके आए हैं फर्स्ट क्राई से। सो आई थॉट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। काफ़ी अच्छा वहाँ पर ऑफर चल रहा है फर्स्ट क्राई का, बेबी हग ब्रांड का है, 50-70% ऑफ था। और ये 500 का हम लोग कुछ 150-120 रुपीज़ का मिल गया था, तो बहुत ही सही है। अभी इसको होता नहीं, अभी बहुत बड़ा है उसके लिए। और लुक एट दिस यू गाइज, मतलब बहुत ही क्यूट है, आई लव्ड इट। एंड देन वी हैव नेक्स्ट इज दिस वन, येलो कलर्स पे बहुत सूट करता है, तो येलो आई मतलब मेरे को येलो उस पर बहुत अच्छा लगता है, तो ये येलो कलर का लिया है। सारा उसी का है, 200-300 का मिल गया इसको। और ये ऐसा है, बहुत ही सही है। अभी वो बड़ा हो गया है, तो उसके लिए बड़े बड़े साइज के लिए है मैंने। और एक नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, सो क्यूट राइट, आई लव्ड इट ब्रो। एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज़ सो क्यूट ना, आई लव, आई नो। मतलब ये होता है कि बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो मतलब नए कपड़े आते हैं तो और एक्साइटमेंट होती है, वाह वाह, ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही कपड़ा मैं खरीद रही हूँ, पता है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ मैं। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वन, दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच अदर रिलेटेड वीडियोज ऑफ बेबी एंड बेबी केयर, समथिंग लाइक दैट। सो मेनी वीडियोज आर देयर रिलेटेड टू दिस जॉनर। सो या आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।